अस्सलाम वालेकुम। आज हम पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये मैदा लिया है 3 पाव। तो ये मैदा ले लिया, तो और नाप के हम लेंगे आपको सबको दिखाने के लिए, ताकि आसानी से बना लो। देखिए 250 ग्राम का कप है ये, लेकिन जो ऑयली होता है वो 250 ग्राम आ जाता है इसमें पूरा, और ये आटा है तो ये थोड़ा सा कम आता है, 200 ग्राम के करीब। देखिए अगर आप ऐसे दबा दबा के भरेंगे इसे, तो इसमें 250 ग्राम आटा आ जाएगा, तो हम ऐसे ही डाल देंगे। ठीक, 4 से 5 कप आटा ले लेंगे। 5 कप हमने ले लिया ये आटा, मैदा है ये, तो इसको हम निकाल देंगे। पूरा 5 कप था ये। हमने 1/4 टीस्पून सोडा ले लिया है, ये डाल देंगे, और 1 टीस्पून नमक ले लिया, ये भी डाल देंगे। हमने मीठा सोडा डाला है 1/4 टीस्पून, और 2 पिंच हम बेकिंग सोडा डाल देंगे, और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं पहले। देखिए 1 कटोरी हमने दही ले लिया, ताज़ा दही है, तो ये भी डाल देंगे। आप चाहें तो खमीर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम दही इस्तेमाल करेंगे दही का, और खट्टी दही हो तो आप ज़्यादा ना डालें, आधी कटोरी डाल। ये हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, ये डाल देंगे 2 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं सबको। देखिए सब हमने मिला लिया, दही भी ऑयल भी, और पानी डाल के हम इसे डो लगा लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त डो लगा लेंगे। इसे गूंद लिया है, अब इस पर हम ऑयल लगा देंगे अच्छे से, ताकि आटा हमारा ख़राब ना हो। तो हम 10 से 12 मिनट इसको छोड़ देंगे, या 15 मिनट, आपके पास टाइम हो तो आप थोड़ा ज़्यादा छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए इसको लगा देते हैं, और इसे साइड में रख देते, तो आज हम कॉर्न पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो इसको ढक के रख देते हैं। देखिए आटा हमारा अच्छे से फूल गया है, 12 मिनट हो गए, थोड़ा सा और हम इसको मल लेते हैं। थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेते हैं स्लिप पे, हल्का सा, तो हाथ गीले हैं हमारे, तो ऑयल भी ऐसा हो रहा है। ओके, देखिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। हमने 8 पीस कट कर लिए, तो इनको सबको हम अलग अलग निकाल लेते हैं। तो हमें बड़े साइज का चाहिए, तो इसको ऐसे करके हम पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बना के सबको रख लेंगे ऐसे ही। ये देखिए पेड़ा बन के तैयार हो गया। अब हम तसला जो है हमारे पास, उसमें ऑयल लगा लेते हैं, ऑयल लगा के, और इसी में ही हम जमा देंगे सारे, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने पेड़े बना लिए, हमने बड़े साइज का पिज़्ज़ा बनाना है, तो बड़े बड़े पेड़े बना लिए हमने, तो इसमें हमारे 8 पेड़े बन गए हैं, 5 ये हैं और 4 ये हैं और 3 ये हैं, तो ये हमने बना लिए हैं। तो इनको हम साइड में रख देते हैं, ढक के रख देते हैं। देखिए हमने ये स्वीट कॉर्न ले लिए, तो इन्हें उबाल के हमने हल्का सा नमक डाल के उबाल लिया। आप चाहें तो पैकेट वाले भी ले लें, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, तो इसमें हमने हल्का सा नमक डाल के और उबाल लिया है, तो इनको अलग रख देते हैं। और थोड़े से हम टमाटर लेंगे, और टमाटर के बीज जो है हम निकाल देंगे, और प्याज लिए, तो आपको दिखाते जाएंगे और बताते जाएंगे। तो पहले हम इनको कट कर लेते हैं। तो हमें जो है टमाटर का बीज नहीं लेना है बिल्कुल भी, बीज को हम निकाल देंगे। ये देखिए, तो हमें छोटे पीसों में कट करना है, हमें बड़े वाला नहीं डालना है, तो हम डायमंड जैसे, ये देखिए ऐसे कट करेंगे हम, हमें ऐसे चाहिए ये वाले साइज़ के, लंबे वाले साइज़ के। तो हमने और भी पिज़्ज़ा डाल रखा है अलग तरीके से, तो हमने वो, ये देखिए बहुत ही सिंपल सा और आसान तरीके से हम बता रहे हैं कॉर्न पिज़्ज़ा। हमने सब सामान ले लिया, तो इसको हम सबको साइड कर देते हैं। हम मैदा डस कर लेते हैं हल्का सा, एक ले लेते हैं पिज़्ज़ा भी। ये देखिए ये तो हाथ से भी आराम से बन जाएगा। ये देखिए हमने अच्छे से पिज़्ज़ा के जैसा बिल्कुल बड़ा कर लिया, जैसे
पिज़्ज़ा का बेस होता है, तो आप देख सकते हैं ये इतना मोटा है जैसे पिज़्ज़ा का ही होता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही बना रहे हैं हम। तो अब हमने एक फोक ले लिया, फोक की मदद से हम इसमें छेद कर देंगे ताकि ये फूले नहीं। अच्छे से हमने इसमें फोक की मदद से सुराख कर दिया है। अब इसमें हम टॉपिंग कर लेते हैं सारी चीज़ों की। तो इसे पहले हम ट्रे में रखेंगे, हल्का सा हमने ट्रे में ऑयल लगा दिया है ताकि नीचे से चिपके नहीं। देखिए, तो अब हम इसको आराम से उठा के और ट्रे में रख देते हैं। देखिए ऐसे करके, थोड़ा साइज बनाया जैसे पिज्जा का होता है, सेम मीडियम साइज का या फुल साइज का, तो आप जो भी इसे कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो थोड़ा सा, और जो पान चटनी ली है हमने, तो ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती है और आप घर में भी बना सकते हैं इसे। तो हम इसको फैला देते हैं अच्छे से चम्मच की मदद से। आप चाहें तो इसमें टमाटर सॉस भी लगा सकते हैं या आप ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। पैन को हमने पहले ही गरम कर लिया है 180 डिग्री पे। तो ये कोन का ही है पिज़्ज़ा ज़्यादा, तो हम कोन ही डालेंगे इसके ऊपर पहले। तो आप चाहें डबल चीज़ का तो डबल चीज़ का भी बना सकते हैं, लेकिन हम ऊपर से ही डालेंगे। तो चारों तरफ अच्छे से फैलाते हुए डाल देंगे, ये जितने आपको टॉपिंग करनी हो इसकी उतनी आप कर सकते हैं। हम चीज़ें डाल देंगे ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं, खाली कोन हम नहीं डाल रहे हैं। तो थोड़े से टमाटर डाल देंगे, 8-10 पीस ऐसे ही डाल देंगे महीन महीन, ये देखिए। और थोड़ी सी हम इसमें प्याज डालेंगे और थोड़ी सी शिमला मिर्च ताकि और अच्छा सा टेस्ट आ जाए, ये देखिए। हम शिमला मिर्च भी डाल देंगे ताकि कलरफुल लगे, ये अच्छा सा प्यारा सा लगे, बच्चे भी खाते में खुश हों और बड़ों को भी अच्छा लगे। वो भी डाल सकते हैं इसमें, ज़रूरी नहीं है जो हमने डाला वही आप डालें। तो अब इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ डाल देंगे, जो हमने पिज़्ज़ा वाली चीज़ ली है वो डाल देंगे। घर में ही आसानी से बना सकते हैं, बस सामान की ज़रूरत पड़ती है और थोड़े से सामान में बहुत सारा बन जाता है। चीटा पहले आपको बना के दिखा दें पूरा फुल तैयार करके। चीज़ आप कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। चटपटा सा हमें इसे बनाना है, तो हम थोड़े सी इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे, कुटी हुई मिर्चें। तो ये तो आप घर में भी आराम से बना सकते हैं, ये देखिए। बाद में जो पिज़्ज़ा वाले वो भी पाउच देते हैं इसकी, तो हम बिल्कुल सेम बाज़ार जैसा ही बना रहे हैं एकदम। तो ये हमने मिक्सर टॉपिंग ले लिया हमने, जो अक्सर पाउच में आता है वही सब चीज़ है। तो इसमें शुगर वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हल्का हल्का सा हम ये भी डाल देंगे ताकि खुशबू अच्छी आए। तो ये हमने पूरा तैयार कर लिया है, अब हम चलते हैं उनकी तरफ। ओवन हमारा पहले से ही गर्म है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और साइज़ भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए ओवन में रख देते हैं, तो 20 से 25 मिनट के लिए ओवन में रख दिया। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं रख के, हमारे पास ओवन है तो ओवन में पहले हमने डाल रखा है, तो वो हमने कढ़ाई में बना रखा है, आप ज़रूर देखें। अगर तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ऐसी आसान आसान सी घर में वीडियो बनाने के लिए। देखिए तो सीख जाता, फिर दिखाते हैं। 20 से 25 मिनट हो गए, निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सा हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ, बहुत ही अच्छा सीखा है ये, एकदम गर्म गर्म से हो रहा है क्रिस्पी। तो हम इसको निकाल लेते हैं, बन बन के तैयार हो गया और बहुत ही बढ़िया सा। देखिए चीज़ भी जो है खिंच रही है, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है
अगर जो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी रेसिपी आसान और सिंपल तरीके से। अगर जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।